रब्बुल इज्जत के नाम से आपके और हम सब के दस्तरखानों में वुसअत अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। आज इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं, चिकन एग फ्राइड राइस जो कि बहुत ही मजे के बनते हैं। आइए आज इनको मैं अपने स्टाइल में आपको बनाना बताती हूँ। इसके अज्जा नोट कर लीजिए। गाजर चॉप ले लीजिए 2 टेबलस्पून, 2 अंडे की एग व्हाइट ले लीजिए या 3 भी ले सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, और इनकी येलो पार्ट अलग ले लीजिए। एक बोल चिकन स्ट्रिप्स ले लीजिए और इनको इस तरह काट लीजिए। 1/4 कप के करीब या एक छोटा बोल ले लीजिए बंद गोभी और इसको चॉप कर लीजिए। 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च चॉप और ग्रीन प्याज का व्हाइट वाला हिस्सा 1/4 कप ले लीजिए। 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, व्हाइट पेपर 1/4 टीस्पून या आपके टेस्ट के हिसाब से, नमक 1/4 टीस्पून या आपके टेस्ट के हिसाब से, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लहसुन चॉप, 2 टेबलस्पून सब्ज प्याज का हिस्सा उसको चॉप कर लीजिए और 2 कप चावल ले लीजिए। मैं सेला ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से बासमती चावल भी ले सकते हैं। इसको मैं 1/2 घंटा भिगोकर रखूंगी या 1 घंटे के लिए, फिर इसके बाद आपसे मिलूंगी। आइए अब चिकन की मैरिनेशन की तैयारी की तरफ चलते हैं। चिकन को बाउल में डालकर इसमें 1 अंडे का व्हाइट वाला हिस्सा डाल दीजिए। साथ में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून ऑयल, चुटकी नमक और 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर डाल दीजिए और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसके तलने की तैयारी की तरफ चलते हैं। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करके इसमें ये मैरिनेट चिकन डाल दीजिए। और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। चिकन पर हल्का हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है, मुकम्मल तौर पर पक गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आइए अब चावलों को बॉईल करने की तैयारी की तरफ चलते हैं। चावलों का मैंने खुला पानी रखकर इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था, साथ में 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया था। अब चावल जिनको तकरीबन मैंने 1-1.5 घंटा भिगोकर रखा है वो इसमें डाल दीजिए। और अब इनको मैं फुल डन बॉईल कर लेती हूँ। आइए अब अंडे की तैयारी की तरफ चलते हैं। येलो पार्ट में चुटकी काली मिर्च और चुटकी नमक डाल दीजिए और इसको बीट करके रख लीजिए अलग से। अब ये जो जामनी कलर में बंद गोभी है ये 1/4 कप के करीब ले लीजिए और इसको हवन दस्ते में डालकर अच्छी तरह से इसको अब मैश कर लीजिए। बंद गोभी को मैंने हवन दस्ते में बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। अब मैं इसे एक बाउल पर स्टेनर रखकर इसमें निकाल लेती। और इसको प्रेस करने के बाद इसका रस निकाल लेती हूँ। यूं इस तरह से मैंने इसका रस निकाल लिया।
अंडों को दो व्हाइट वाला जो हिस्सा है उसमें मैंने चुटकी व्हाइट पेपर डाली है। जिस वक्त डाली है उस वक्त लाइट चली गई थी, और साथ में चुटकी नमक डाल दीजिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसमें ये क्वार्टर टीस्पून के लगभग बंद गोभी का पानी डाल दीजिए और इसको इसमें मिक्स कर लीजिए। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करके इसमें ये व्हाइट वाला पार्ट डाल दीजिए। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल में ये येलो पार्ट डाल दीजिए। और इसको भी इसी तरह पका लीजिए। अब पैन में 2 टेबलस्पून फुल ऑयल डालकर इसमें 1 टीस्पून लहसुन चॉप डाल दीजिए और इसको सौते कर लीजिए। लहसुन को जलाना नहीं है, इसका कच्चापन दूर कर लेने के बाद इसमें ये सब्ज प्याज का व्हाइट वाला हिस्सा डाल दीजिए और इसको भी हल्का सा सौते कर लीजिए। अब इसमें ये गाजर चॉप डाल दीजिए। और इसको भी 1 मिनट इसके साथ सौते कर लीजिए। अब इसमें ये शिमला डाल लीजिए। अब इसको भी इनके साथ हल्का सा सौते कर लीजिए। अब इसमें ये चिकन जिसको तैयार करके रखा था वो डाल दीजिए। अब इसमें ये बंद गोभी डाल दीजिए। साथ में ये काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें अभी 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। सोया सॉस डाल दीजिए और साथ में चिली सॉस भी। अब इसमें व्हाइट विनेगर डाल दीजिए, काली मिर्च मुझे इसमें थोड़ी सी कम लग रही थी, मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ, और साथ में थोड़ी सी व्हाइट पेपर भी 1/4 टीस्पून के लगभग। अब इसमें जो अंडा फ्राई करके रखे थे वो डाल दीजिए। और इनको मिक्स कर लेने के बाद
अब इसमें चावल जिनको बॉईल करके रखा था वो डाल दीजिए और इनको अच्छी तरह से इनमें मिक्स कर लीजिए। साथ में ये ग्रीन प्याज वो भी डाल दीजिए। अब ये तैयार है, मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। इंतहाई मजे का चिकन एग फ्राइड राइस तैयार है। बिलीव मी, बहुत ही मजे का बना है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए और अपनी रेसिपी का एंड एक अच्छी सी प्यारी सी बात के साथ करते हैं। लफ्जों से ही खामोशी टूटती है और अल्फाज ही खामोश कर देते हैं। अल्लाह हाफिज।